बात करें मौसम की तो प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से अब तक औसत से 17% अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 103 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। विभिन्न जिलों में तेज बारिश होने से छोटे बड़े कई बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश जयपुर के कालवाड़ में 93 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा मलारना में 85, सांभर में 78, चौथ के बरवाड़ा में 59 और नागौर में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश 93 mm कालवाड़ जयपुर में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक 103 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 17% अधिक है। आगामी दिनों में बारिश की बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश, जबकि दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 11 जुलाई से देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों के लिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, खासकर मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से ज्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड का प्रभाव होगा और जो भारी बारिश का दौर अभी चल रहा है उसमें राहत यानी कह सकते हैं कि उसमें कमी होने की संभावना है। इसके बाद 15 जुलाई से एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजिशन पे आने से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी।